ये क्या बोल रहा है? गांव वालों ने अटैक किया था, लेकिन ये बचकर आ गए हैं। ये शायद बोल नहीं सकते। शायद एक रात के लिए रुकना चाहता है। आपका स्वागत है मिस्टर उंगली चंद। कम उंगली चंद, आखिरकार मुझे वापस लेने कोई तो आ गया। ओ भाई, स्पेसशिप कहाँ पर है? मैं हूँ सादा उंगली चंद, कम उंगली चंद का भाई। इनके पास जो बंदूक है वो हाथ लग जाए तो हम लोग भाग सकते हैं। तुम्हें ये छोटा होगा भाई, ये क्या कर दिया? तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया। प्लीज किसी को मत बताना कि ज्यादा उंगली चंद एक्चुअली सुपर हीरो क्सोरो है। और ये सो करता क्या है? मास्क्ड एवेंजर जो अन्याय से लड़ता है और गरीबों की मदद करते है। वो भी एक छोटे से सुई से। एक और जोक मारना प्लीज। तो तुम गरीबों की मदद करते हो हा? और ये गवर्नमेंट समझते नहीं है, हम लोगों पर जुल्म करते जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान है। भाई, तुम्हारे साथ अन्याय होने नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा। कम उंगली चंद, ये मिशन है सुख सुख क्सोरु का। ये तो हवा में उड़ सकता है, शायद इसलिए ये स्पेसशिप नहीं लाया। कौन है भाई? गरीबों का मसीहा और न्याय का देवता क्सोरु। अरे जोरो, सोरो कैसे हो तुम लोग? जेलर साहब, कोई गरीबों का मसीहा जेल में घुसाया है। नाम है कोई आसो सुसु नहीं सोरो। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ चला गया वो? मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बिजली से भी तेज निकला। उसकी लंबाई इतनी थी और उसका बोलने का तरीका और मुझे भी ऐसा ही था। गार्ड्स, अपनी आंखें और कान खुले रखो, कोई भेष बदल कर भागने की कोशिश कर रहा है। अरे तो फिर से आ गया। सावधान, सोरो आ गया है। हमें इस तरफ से जाना है। खोचो सोरो। ये सब क्या हो रहा है? अरे को बचाओ। वो रहा वहाँ, जाओ उसको पकड़ के ले आओ। तुमने तो देर कर दी जेलर, सोरो यहाँ से भाग गया। जब जब सोरो भागता है तब तब ज्यादा उंगली चंद वहाँ होता है। जेलर को शक हो गया है, हमारा काम बिगाड़ सकता है। मैं कुछ करता हूँ जिससे उसका शक दूर हो जाए। सोरो। इस बार उसे पकड़ के ही रहेंगे। अरे मैं हूँ मास्क्ड एवेंजर सोरो, गरीबों का मसीहा और न्याय का देवता। मतलब तुम नहीं हो सोरो? अच्छी एक्टिंग थी, चलो अब गायब हो जाओ। चल पकड़ो उसे।
गरीबों का मसीहा और न्याय का देवता एक्स एक्स फोर्स सोरो। जा बिल्ला। यश क्या पकड़ा? स्वाट स्वाट। एक मिनट रुको, मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। गरीबों का मसीहा और न्याय का देवता एक्स एक्स फॉर अप्रैल। शायद स्पेसशिप में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। मतलब कि वो बैरोपिया अप्रैल था। इसके तो संस्कार अच्छे थे। मिस बेटी, डाल्टन्स के संस्कार अच्छे नहीं हो सकते। वो डाल्टन से खूंखार लुटेरे जो बड़ी बड़ी बैंक्स लूटते हैं। तुम समझे उंगली चंदी, मतलब ये सारा माजरा क्या था? और मैंने इस भले आदमी पे शक किया कि यही वो सोरो है। ओ, कितना बड़ा शॉर्ट सर्किट था, क्या मुझे हिल रहा है। सूरज आजाद। बहुत अच्छे भाई, ये तो सिंपल था। अप्रैल, साथ में क्या लेके आओ? जेल की यादें ताजा करने कुछ सामान है भाई। हवाई जहाज शास्त्र, एक तकिया और ये लगाओ। हो गया है। ये क्या, जेल की सारी चाबियां? तुम्हारे पास चाबियां थी? हाँ, ये मिट की है, दो दिन पहले उसने गिरा दी थी। अब मैं ये उसे वापस नहीं दे पाऊंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल जाना होगा। रुको, ये क्या है? भाई मेरे पास दूरबीन है। ला मुझे दो। मुझे तो ये दुश्मन सेना लग रही है। चलो छुप जा। ये रही साथियों इनकी मशहूर जेल। लेकिन यहाँ कब्जा क्यों करना है मेजर डीएस चंद? ये ऐतिहासिक है, इन्हें बहुत नाज है अपने बेहतरीन पिंजरों पर। हम इस जेल पर कब्जा करके इसे हमारी मुख्य सेना का मुख्य किला बनाएंगे। कैसा रहा? तो जीनियस हो। जेल को चारों तरफ से घेर लो। चलो हम जेल वापस जा रहे हैं भैया। अरे लेकिन क्यों भाई, अभी तो बाहर आए हैं। क्योंकि यहाँ रहे तो हम लोग मारे जाएंगे। घोचो। कोई जवाब नहीं आया। दुश्मन सेना ने तार काट दी है। सेना हजारों की तादाद में है। मेरी प्यारी सी जेल पर कब्जा हो जाएगा। शायद हमें उनसे बात करनी चाहिए। ये क्या कह रही हो? ए जलर साहब, मेजर डीएस चांद मिलने आए आपसे। मेजर, आपके रवैये से आपकी महानता का ज्ञान होता है। आपके मिशन रद्द करने के फैसले को मैं सलाम करता हूँ। गार्ड्स, मेहमान का सामान गाड़ी में रख दो। तुम अपना सामान गाड़ी में रख दो जेलर। क्या हम ये बात संस्कारी चाय के साथ करें? मैं कॉफी पीता हूँ, चाय नहीं। हम हार नहीं मारेंगे। तुम कितनी बहादुर हो, तुम्हारी आंखों में क्रांतिकारी भावनाएं हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा, वैसे संस्कारी है लेकिन कभी कभी गुस्सा जाती है। मैडम गर्म मिजाज की है, मजा आ गया। मेजर डीएस चंद शपथ लेता है कि इस जेल पर और आपके दिल पर मैं कब्जा करूंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सही बात है जलर साहब। कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। हम भाग नहीं सकते, सेना ने चारों ओर से घेर रखा है। मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। क्या? अप्रैल ले क्या?
लाइब्रेरी से ये बुक मिली है, ये गाड़ी हवा में उड़ती है। भरोसा रखे, हम कर लेंगे जलर साहब। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जेल से ही भागना पड़ेगा। हमें तो आदत हो गई है। जल्दी से जगह बनाओ। थैंक्स। कोई पॉपकॉर्न खाएगा क्या? जेल वाले भाग रहे हैं। सावधान, सावधान। गो चुका इनका। मार। हिम्मत कैसे हुई? एक साथ फायर करो। मिस बेटी, मेरा शेरू। क्या बात है, सीधा मुझ पर लैंड। ओ कड़क मिजाजी मैडम। अब हम लोग खतरे से बाहर है, चलो भागते। गार्ड्स बाकी सबका ध्यान रखना। खेल खत्म हुआ डाल्टन्स। पहले अपनी जेल तो बचा लीजिए जलर साहब। अगर मिस बेटी को बचाने में मदद करोगे तो आजादी दे दूंगा। सरकारी तौर पे 100%। ये हुई ना बात। अरे कौन सी बात भाई, आजादी जिंदगी भर की। दिल पक्के, लेकिन आपकी मदद लगेगी। जेल मेरा हुआ, सबके सब कायर निकले हैं। तुम असंस्कारी हो, तुम्हारी वजह से अशांति बढ़ेगी, समझ गए? ये बातें बाद में करेंगे, आओ। पहले आप। कैसे हो चूहे? आओ मैं तुम्हें मेरा घर दिखाता हूँ। काफी दिनों के बाद कोई मेहमान आया है, तुम नाश्ते में क्या लोगे? मैंने दो टिप देना मत भूलना। यकीन नहीं होता जेलर, एक बार फिर से कहो। मैं कह रहा था ना, जेल पर कब्जा हुआ है। क्योंकि तुम वहाँ से भाग गए ना। हमारी मदद करोगे कि नहीं? हाँ, लेकिन 500 साल तक गांव की प्राचीन वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी तुम्हें। 500 साल? बिल्कुल नहीं। तो मेरी तरफ से सिर्फ शुभकामनाएं मिलेंगी तुम्हें। 300 साल चलेगा क्या? शायद दाएं जाने के लिए जो इस रॉड को इस तरह। अरे कोई बात नहीं दोस्त, हम पहुँचे जाएंगे। वैसे भी हम जेल से ज्यादा दूर थोड़े ही आए हैं। इस जादुई दवाई पे मुझे पूरा भरोसा नहीं हो रहा। इसके साइड इफेक्ट्स में कहा है कि तेज गुस्सा आ सकता है, जो तुम्हें तो सबसे पहले आएगा ना। हमें उनसे डेमो मांग लेना चाहिए था। काम ना होने पर पैसे वापस मिलेंगे, वैसे भी कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
ठीक है, मिस बेटी को ढूंढते हैं और कल्टी खाते हैं। होला, कैसे हो? तुम मिस बेटी का कमरा चेक करो, मैं अपनी ऑफिस में देखता हूँ। मैडम बेटी, तुम्हारी आंखें दो सूरज हैं, जिसकी किरणें मुझ पर गिर रही हैं। हाँ, धूप से चमड़ी जल जाएगी। बकवास बातें बंद करो और जेल हमें वापस कर दो। नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। मेजर ने सारे सिपाहियों को बाहर बुलाया है, जाओ। मंत्री ऑन कंट्री टूर, वक्त है वापस आने का। मिस बेटी अपने कमरे में नहीं है, लेकिन ढूंढते रहो आराम से। भाइयों, वो घोटू एवरल का है। ये सूप बहुत अच्छा बना है। ये लंबू चंद कभी नहीं सुधरेगा। गुस्सा मत करना भाई, साइड इफेक्ट्स याद है ना तुम्हें? क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? मुझे मिस बेटी नहीं मिली और तुम्हें। चलो उसके पीछे। जो कहा है। हेलो द्वार रक्षक, क्या आप कृपया ये द्वार यंत्र खोलेंगे? कौन कौन डिनर खाएगा? अरे देखा भाइयों, मुझे जो मिल गया। क्या तुम डिनर करोगे भाई? वैसे डिनर कहाँ चला गया? जेलर साहब सुन लीजिए, हमसे नहीं होगा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक रास्ता है, मंत्री जी की ट्रेन इसी तरफ आ रही है, अगर हम उन्हें बता दे तो वो ये परेशानी को ठीक कर सकते हैं। और फिर आजादी। ओ जो डाल्टन, देखिए तो सही। ये हम लोग कहाँ आ गए दोस्त? लेकिन लाल कपड़ा दिखा के भी तो ट्रेन को रोका जा सकता है ना जो डाल्टन? आपको आसपास कोई लाल कपड़ा दिख रहा है क्या? ओ हाँ, तुमने तो येलो और मैंने ग्रीन पहना है। लेकिन इसने एक का बोला और दो भी नहीं बोला था उसने। अगर साथ में जेलर नहीं होगा तो मंत्री हमें खड़ा भी नहीं रखेगा। अरे जो बताओ, मैं कौन सा पंछी हूँ? इससे अच्छा ये लोग कपड़ा बता देते। ये क्या कह रहे हो? ट्रेन को रोको। मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही करो। हमारी सेना के रहने के लिए इलाका बनाओ। हमें घास काटने की मशीन चाहिए होगी सर। ये है मिस्टर जी, जी फॉर गैजेट। ये तुम्हें लेटेस्ट हथियार देंगे। छोटा लेकिन धमाकेदार, इसे तुम अपने शरीर में कहीं भी छुपा के रख सकते हो। इस फूल का हम क्या करेंगे? चिट्ठी, निबंध या स्टोरी लिखना चाहोगे आप? हाँ, लाल रंग की पेन है ये। इस सूटकेस में मिशन को लगने वाले सारे हथियार हैं।
सही से इस्तेमाल करना। ये सैंडविच मैं खा सकता हूँ? नहीं, उसे छूना मत। क्या ये फटेगा? नहीं, ये मेरी सैंडविच है, मैं ही खाऊंगा इसे। साथियों, तुम पर देश को भरोसा है। तो अब मिलते हैं कल। कल मिलते हैं। अब मुझे भूख लगी है। मुझे संस्कारी प्रॉमिस करो, ये जेल हमें वापस कर दोगे ना? हे मेजर डीएस चंद कभी कुछ वापस नहीं देता। मुझे माफ कर दो, मुझे डांस नहीं आता। चूहा भौ भौ नहीं करता, शेरू है ना। अभी उस बिल्ली को मैं मजा चखा कराता हूँ। नहीं, अभी वो बिजी है, मैं बाद में जाऊंगा। फोगा फूटा तो पानी में जाएगा। लगता है कुछ फंसा है। चलो देखते हैं सूटकेस में क्या है। वाह, क्या बात है, रात में उजाला दिख रहा है। ये। साथियों, हमें दीवार चढ़ कर के अंदर जाना होगा ताकि हम बॉम्ब्स को अंदर रख सके। वैसे ये तो सुपर बेल्ट है ना। अरे मेरे लिए रुको। मैं इस बेटे के पास जाता हूँ, तुम लोग बॉम्ब फेंक दो। अरे मेरे लिए रुको। जल्दी करो, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। ओ, बहुत गर्मी है। तो मैं हवा देता हूँ। गर्मी गायब हो गई है कि नहीं? ये सही में एक नंबर का घोंचू है। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेजर जल्दी आ जाओ, हमने कुछ जासूसों को पकड़ लिया है। जासूस? जाना होगा। अरे मार डाला। तुम्हें लगा तुम पकड़े नहीं जाओगे? ये क्या, सबके सब पकड़े गए? अब सब मुझे अकेला ही करना होगा। काश ये काम कर जाए। तो बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हम मंत्री जी से मिले और उन्होंने हमें रात में देखने वाले चश्मे दिए और सूटकेस भी। मंत्री जी, मेरे खास दुश्मन, वो खुद क्यों नहीं आए यहाँ? संस्कारी बनना बंद करो। चिंता मत करो, इसके बाद संस्कारी बन जाऊंगा, लेकिन पहले इन्हें निपटा दूं। इतनी जोर से कौन चिल्लाया? ये मैं चिल्लाया था मंत्री, जल्द से जल्द मेरे नागरिकों को रिहा करो। हाँ, नहीं किया तो क्या करोगे? मेरी विशाल और शक्तिशाली सेना ने इस जेल को चारों तरफ से घेर लिया, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से फटाफट निकलो घोचो। अगर तुम्हारे सैनिक तुम्हारी तरह टिंगू चंद हो तो हम हथियार जाया नहीं करेंगे। समझ गया, बिना दाढ़ी के तुम अच्छे लगते हो।
बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई भाई, लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे तुम्हारे मुंह पे टेप लगानी है। तो तुम्हारा प्लान क्या है? आगे क्या करना है ये तुम पर निर्भर है। वीटो, लो इसे पकड़ो घनचक्का। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मंत्री कोई सेना वेना नहीं भेजने वाला। भाइयों इन्हें आपस में लड़ने दो, हम लोग अब पतली गली पकड़ते हैं। चलो वहीं रुक जाओ, इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा तुम्हें। हम पहुंच गए आखिरकार पीठ, हम जेल पहुंच गए। मेरी सेना चुटकी में नष्ट हो गई। खेल खत्म मेजर डीएस चंद, अब चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलोगी। असंस्कारी, फिर मिलेंगे। बाय बाय मेरे दोस्त, शेरू को खत लिखते रहना तुम। निष्ठा और बहादुरी। जो डाल्टन, इस देश को तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत पर बहुत नाज है। कुछ कहना चाहोगे? नहीं, तुमने पिन मेरी छाती पे मार दिया। तो जेलर साहब, आपने वादा किया था, क्या अब हम आजाद हैं? मैं अपना वादा निभाऊंगा, तुम अपनी सजा से मुक्त होते हो। आजादी। मुझे लगता है किसी की शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसा छोटा डॉगी कभी नहीं देखा। मेरे मेहमान हो, बताओ नाश्ते में क्या खाओगे? मेरी टिप मत भूलना। अरे भाइयों, मैंने सूटकेस चुरा लिया, किसी को पता ही नहीं चला। तुम लोगों ने चोरी की, पकड़ो इन्हें। हम लोग तुमको बहुत मिस किया था। खिला कर रहूंगा। आर्मी के हथियार की चोरी, तुम्हें 70 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। पेड़ पौधे उगाना हमारे संस्कार हैं। पेड़ पौधे उगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक सीड लो, फिर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें सीड को डाल दो। यही है हमारे संस्कार। अब यहाँ भागने का कोई प्लान मत बनाना डाल्टन्स। ओह, क्या आइडिया आया है? कोई था गड्ढा कुछ समझ में आया भैया? भागने का रास्ता, हम इसकी मदद से रात को गड्ढा खोदेंगे और इसमें कोई शक नहीं। अरे चाय की केतली। ये मेरा काम क्यों कर रहे हैं? इन बच्चों को तो गड्ढा खोदना भी नहीं आता। तो भाइयों, हम यहाँ गड्ढा नहीं खोद सकते क्योंकि यहाँ गांव है, उस पर नदी और इस पर घना रेगिस्तान, इसीलिए बची सिर्फ ये जगह। हमें 500 मीटर लंबी सुरंग बनानी होगी। 500 मीटर, वो भी इससे महीने लग जाएंगे। तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है घनचक्र करो। अरे इस चाय की केतली से धुआं क्यों निकल रहा है? मैं धुआं नहीं हूँ ना समझ, मैं जीनी हूँ। अच्छा, अगर तुम जीनी हो तो जेल में क्या कर रहा हूँ? मैं जीनी हूँ जो विश पूरी करता है, एक आदमी की 3 विशेस। तुम 4 हो तो टोटल 12 विशेस हो गई।
अरे मुझे एक सैंडविच चाहिए। ये लो। ये ककड़ी मिल सकती है क्या? ये लो। एक मिनट, इसका मतलब ये जीनी हमें एक सेकंड में सुरंग बनाकर दे सकता है भाइयों। अब कुछ भी मांगना बंद कराओ, समझा? एक्चुअली मुझे एक और ककड़ी चाहिए। चुप हो जाओ। बहुत खूब, मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ। हिलना चाहते हो ना? ये लो, हो गया। ध्यान से सुनो गोचू, हमें यहाँ से यहाँ तक सुरंग चाहिए। हो गया। नहीं, हमें एक असली सुरंग चाहिए जो यहाँ से शुरू होकर 500 मीटर पश्चिम की तरफ निकले, समझे? ये लो। सुरंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम फिट हो जाए, है ना? ये लो। क्या हुआ? जाओ, फिट हो जाओगे। इसका साथ ला, चलो, हमारी विशेष अभी बाकी है। ए, अंदर आने से पहले नॉक तो करो तुम। निकलो यहाँ से। हाँ तो हमारी सारी विशेष पूरी कर दो। अपनी विशेष वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम मांग लो जेल से छुटकारा। आ गया मस्त वाला आइडिया। हमें यहाँ से भागना है, लेकिन नॉर्मल साइज में, कोई शक? अब तुम समझे। ये लो। हम आजाद है, आजादी मिल गया। अब बस बहुत हो गया, हमें यहाँ से दूर ले चलो, बहुत दूर। एग्जैक्टली कितना? 1000 किलोमीटर साउथ की तरफ। स्मूथ लैंडिंग, कोई मजाक नहीं। ये लो। मैंने स्मूथ कहा था। तुमने स्मूथ लैंडिंग कहा था, स्मूथ टेक ऑफ नहीं कहा था। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। हमें यहाँ से 800 किलोमीटर दूर ले जाओ, लेकिन किसी शांत जगह पर। चलते। चिल्लाने की जरूरत नहीं, ये लो। अरे आजादी, किसी को तैरना आता क्या? संभल कर। तुम मेरा मन पढ़ सकते हो ना? तुम मेरा सपना पूरा करो, कुछ ऐसा जो डाल्टन्स के लिए बेस्ट हो। भाइयों, एक और बैंक लूटते हैं। काश इस वक्त हम उस जेलर की शक्ल देख पाते। तुम्हारी आखिरी विश पूरी होगी। कभी कभी लगता है कि तुम भाग जाओ, वहीं सबके लिए अच्छा होगा। संस्कारी कैदियों, मिलिए जिमी जिम से। ये तुम सबके लिए नए संस्कारी यूनिफॉर्म्स बनाने आए हैं।
मैं चाहूंगा चार हैंडसम कैदी जो हमारे साथ नए कलेक्शन की टूर पे जाएंगे। एक मस्त वाला आइडिया आया है। ठीक है, तो कौन कौन आना चाहेगा? हम चार भाई काफी क्यूट है। ए गोजू, मैं भी क्यूट हूँ। क्यूट होने से काम नहीं चलेगा, चलना भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे क्या? लेफ्ट राइट लेफ्ट। मेरे प्लेनेट पर मैं आर्मी में था। बिल्कुल ऐसे ही, मैं इन चार जनों को कंसीडर करता हूँ। और हाँ, सारे साइजेस मिलेंगे, एक्सेल, एल, एम और किड्स वेयर। तुम्हारी कंपटीशन इन चारों से होगी। ये सिंगल लाइन पे चलना है, शोल्डर को यूं यूं घुमाना है और फिर ऐसा घूर के मुंह को झटक देना है। चलो करके बताओ। एक्सरसाइज टू। अब हम बैलेंस पे काम करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। अब सभी अपना आउटफिट ट्राई कर लो जल्दी से। बहुत अनकंफर्टेबल है। क्या लग रहे हो? मेरी तरफ चल कर आओ जरा। मैं खूंखार डाकू, मैं खूंखार डाकू। मेरी लाइन में मत आ, समझे क्या? लड़ो मत, बाल खराब हो जाएंगे। कंपटीशन शुरू किया जाए। कल तुम दो दो करके चलोगे। राइट साइड होगी अगली बॉब की टीम और लेफ्ट साइड लूजर्स की टीम। पुरानी तकनीक अपनानी पड़ेगी, तोड़ फोड़। मेरे भाई कलम आजाद हो जाएंगे। विलियम डाल्टन वर्सेस शैगी जॉर्डन। जैक डाल्टन वर्सेस स्किनी बेल। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। चार पैरों से मार्चिंग करना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मुझे निकाल दिया। एवरेज डाल्टन वर्सेस ट्यूबुलर हॉगी। चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जॉन डाल्टन वर्सेस अगली बॉब। पता नहीं मैं मेरे प्लेनेट पर ऐसे मार्चिंग कब करूंगा। हम गार्ड्स को ठिकाने लगा के कल्टी लेंगे। और जिमी साहब, आपका चेहरा अचानक से इतना लालम लाल कैसे हुआ? क्या? रुक जाओ। एक मिनट। सैनिक होशियार, आक्रमण। गांव जाके कुछ कपड़े चुराते हैं, इन कपड़ों में पकड़े जाएंगे आप। आओ। वो क्या है, 2 किलोमीटर दूर। टूरिस्ट लग रहे हैं। सही, जल्दी से अपना मेला लगाओ, इनका मनोरंजन करते हैं हम। आक्रमण। चुप रहो।
समझ गया, ये सर्जिकल स्ट्राइक है ना। मेले में खेलना चाहोगे क्या? मेले में खेलना चाहोगे क्या? इन सबको क्या चाहिए भाई? यहाँ से निकलते ये 2 किलोमीटर दूरी पर हो क्या रहा है? हमारे गार्ड्स के पीछे डाल्टन्स लगे हैं, गांव वाले लगे हैं और शेरो लगा है। आखिर ये हो क्या रहा है? अरे प्लेटफॉर्म से बचा लो। सर मर मेरा साथ क्यों होता? प्लीज मुझे जाने दो सरदार। हाँ लेकिन उससे पहले तुम हमें हैंडसम बनाकर रैंप पर चलना सिखाओगे, समझे? बहुत अच्छे, चलो रुको, घूमो और नजर सामने रखो। कॉन्फिडेंस जेंटलमैन। और 1 और 2, तुम लोगों को चलना ही नहीं आता तो रैंप पे चलो कैसे होगा? एंजल गणपत राव जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। एंजल गणपत राव जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। थैंक यू। हे बॉस, आपने मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें फरिश्ता बनने की फुल टाइम जॉब दी थी गणपत राव, फुल टाइम वेकेशन नहीं। 1 महीने में तुमने 27 छुट्टियां ली हैं। हाँ, क्योंकि मेरा अलार्म टूट गया था। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब से तुम धरती पर किसी के पर्सनल फरिश्ते बनोगे और वो शख्स है एडमिरल टाल्टन। बस थोड़ी देर में मिलेगी हमें आजादी। और डाल्टन्स पिकनिक पर जा रहे थे क्या? यहाँ कुछ अच्छी खुशबू आ रही है। सैरों पर नजर रखना, एले पकड़ो। हर बार मुझे एक चोट लगता है और कभी तुझे कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी रक्षा एक फरिश्ता कर रहा है भाई। हाँ, तुम अपने फरिश्ते के साथ कोई अलग ही दुनिया में जीते हो ना। अरे मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें मानता हूँ, अगर सच में फरिश्ता है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस सब बहुत हुआ, तुम चारों सोते नहीं क्या? मैं इस गुंचू की रक्षा करने के लिए सारी रात नहीं जगने वाला। कौन है तुम? एंजल गणपत राव, ग्रेजुएटेड गार्डियन एंजल, और मैं रक्षा करूंगा एवरिल डाल्टन की। उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुमने कैसा किया? ये फरिश्ता है जो इसके पास सुपर पावर्स हैं। अब वो हमारे ग्रेड पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं गायब हो सकता हूँ, मैं अमर हूँ और मैं ऐसे कान हिला भी सकते। क्या तुम दीवार पार कर सकते हो एंजल? एक्चुअली मैं वो कोर्स में फेल हो गया था, लेकिन मैं इस दरवाजे को पार कर सकते। और गणपतरा, जाकर जेलर की ऑफिस में से चाबियां लेकर आना। मैं ये नहीं कर सकता बाबा। अरे बाबा, मेरी एंजल वाली नौकरी चली जाएगी। मेरे पास एक अच्छी डील है। मैं एक पूरा दिन एवरल की रक्षा करूंगा और तुम आराम करो, और बदले में एक दिन तुम्हारी पावर्स हमें दे दो। क्यों, अब ठीक है ना? कोई शक? ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम को ही। मैं चारों को पावर्स नहीं दे सकते ना छोटिया। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुड नाइट, सो जा। एवरल चलो उठो। एवरल, ये गोचू कहाँ चला गया? ओए दरवाजा खोलो। एवरल का वो पत्थर तोड़ रहा है। ये मुझे दे दो, तुम्हें चोट लग सकती है मेरे भाई। तुम ठीक हो जो? एकदम। मुझे
मुझे कल से अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। यो एंजल गणपतराव, तुम कहाँ कुचलते? ओए, एक दिन पूरा हुआ, अब मुझे पावर्स दो जल्दी। हाँ ठीक है, जल्दी काहे को इतना? वो ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या था? अब्रकडब्रा याद आया, जिगी विगी रिगी प्लम प्लम पॉप पॉप पीप पीप ट्रा ट्राला। हो गया। क्या हो गया? अरे भाई, तुम तो चमक रहे हो। मैंने तुमको बोला था ना, दीवार वाले कोर्स में मैं फेल हो गया था। तुमने मुझे उल्लू तो नहीं बनाया ना? देखो, तुम उड़ सकते हो, बहुत ही अच्छे। ओ देखो, जेलर साहब ने नई लाइट्स लगवाया है। जो डाल्टन, मैं गायब नहीं हुआ क्या? भैया नहीं हूँ, ये कोई और है। लेकिन ये कैसे किया? मुझे मेरे प्लेनेट वापस ले जाओ। ब्रो 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 ना ब्रो ब्रो मुझे उल्लू नहीं बनाया। भाइयों, मैं सब समझ गया, मैं चाबी लाता हूँ और फिर हम सब निकलते हैं। अगर तुम उड़ सकते हो तो हमें डायरेक्टली उठाकर ही ले चलो ना फिर। बाबा रे बाबा, अगर तुमको कुछ हो गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुमने हद से ज्यादा वजन उठा लिया जो डाल्टन। शायद, लेकिन हम आजाद हैं। मेरे को मेरी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम आजाद हो गए मेरे भाई, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बैंक में चोरी, दुकानों में चोरी और घर का खाना भी मिलेगा। लेकिन ये गलत है, हमें लाइफ में अच्छी चीजें करनी चाहिए, इसलिए हम जेल वापस जाकर अपनी सजा काटेंगे। कोई शक? भाई को क्या हो गया? वो अच्छा आदमी बन गए, सुपर पॉज का साइड इफेक्ट है ये। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसको पहले दिन हो गया। मुझे जेल वापस जाना है, मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी है। मुझे मेरे दोस्त बहुत पसंद है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ, लेकिन शायद वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है। मैंने अपना काम अच्छा किया ना बॉस, मैंने अप्रैल का अच्छी तरह से ख्याल रखा है। वेरी गुड, अब मैं तुम्हें किसी और इंसान का पर्सनल फरिश्ता बनाता हूँ। वो शख्स और कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त है जो डाल्टन। अरे नहीं, देखा कितना संस्कारी है। ओरिगामी हमें शांत रहने के संस्कार देता है। देखो, मैंने एक बॉल बनाया है। ये लो, अब क्या भाग सकते हैं? कीड़ा गोल और कांटेदार है, शायद मेरी प्लेनेट से ही आया होगा। ए देखो, मैंने टोपी बनाई। ये कैसे बनाई? कितनी संस्कारी बोट बनाई है। अब कोशिश करो एक फ्लावर, एक बटरफ्लाई या फिर एक कैट बनाने की, मेरी फेवरेट। कैट? क्या कैट? कैट कहाँ है कैट? ये सुंदर और सुशील संस्कारों से भरपूर होनी चाहिए, समझ गए ना? बकवास, निर्दयी, हिंसक, अगर ये असंस्कारी बिल्ली मेरे सामने आ गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कह देता हूँ। अरे मैं आपके लिए वो बिल्ली बनाऊंगा मिस बेटी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। नहीं बनी, ये भी नहीं, अरे ये भी नहीं, ओ ये तो बहुत मुश्किल है। हम उस प्लेन से उड़कर भाग सकते हैं।
इधर सुना, अभी जो बनाए वो फिर से बना। वो ओरिगामी, वो जो हवा में ऐसे उड़ता है वैसे। ठीक है, बना कर दूंगा, लेकिन मुझे इस बेटी के लिए बिल्ली बनाना है। ठीक है, इधर आ। ओए, बन गया क्या? ये क्या बनाया? ये मेंढक है। बुइंग 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 बुइंग। बकवास बंद कर घोंचो, उड़ती हुई चिड़िया बनाओ जो असली में उड़ सके, समझा? चूहा है, हाथी है, पर बिल्ली नहीं है। कभी ना कभी तो हाथ लग ही जाएगी ना, फिर कहाँ जाएगी तू है? अरे ये एक मुर्गी है। उड़ सकती है क्या? नहीं भाई, मुर्गियाँ उड़ती नहीं, देखो ना। अप्रैल, एक उड़ती हुई चिड़िया बनाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ये मत बनाओ, वो मत बनाओ, चिड़िया बाद में, पहले मिस बेटी के लिए बिल्ली बनाऊंगा। ऐसे यहाँ पर है वो बिल्ली, आक्रमण। अवरल, तुम चिड़िया के पंख बड़े कर दोगे तो ये और अच्छे से उड़ेगी। ये देखो। लगता है दूसरे पैर के लिए कौन चाहिए? नहीं भाई, ये चिड़िया तो छोटी है, चिड़िया बड़ी होनी चाहिए जिसमें हम चारों फिट हो जाएं। ठीक है, जेल के सारे पेपर से इकट्ठा करते हैं और उसे चिपका के एक बड़ा सा पेपर बनाते हैं, कोई शक? बस इतना ही? तुम्हें इतने कहां से मिले? मिस बेटी ने ओरिगामी प्रैक्टिस करने दिए हैं। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया, कमकल? मुझे डाल्टन परिवार में से माँ चाहिए। नहीं है। खेलना बंद करो, सारे पेपर्स उठाओ और ग्लू मत भूलना। चलो अब बड़ी चिड़िया बना, ओके? लेकिन इतनी बड़ी चिड़िया छोटे कमरे में बन पाएगी क्या? चिड़िया बनाकर उसे वापस फोल्ड कर देंगे और फिर जेल के दीवार पर जाकर फिर से खोल देंगे, है ना? और फिर काम हो जाएगा। मैं आज यहाँ रखवाली करूँगा और अगर मुझे वो बिल्ली फिर से दिख गई तो मुझे सबकी रक्षा करनी होगी और यही मेरा काम है, कर्तव्य। गायब, वो बिल्ली इन्हें ले गई होगी, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मदद मांगता हूँ जल्द से जल्द। शायद कर आई के को बिल्ली डाल्टन को किडनैप करके भाग गए है, क्योंकि डाल्टन अपने कमरे में नहीं है, यही ना जी? जल्दी चिड़िया खोल दो। अबे चलो भाई, कल्टी खाए। ओहो, ये डाल्टन्स का कौन सा नया आविष्कार है? सब एक साथ दो। हम लोग तो गोल गोल घूम रहे हैं, ये कोई सर्कस का खेल हो रहा है क्या? अरे असली खेल तो अभी बाकी है। ये क्या किया तुमने? चिड़िया और बिल्ली दोनों 2-in-1। तो तुम फिर से आ गई, बहुत शैतान हो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मिशन सफल रहा एजेंट शेरू, कंग्रेचुलेशंस, तुमने एक बार फिर से इस दुनिया को बचा लिया, क्या बात है? इतनी टाइट सिक्योरिटी में हम दरवाजे से बाहर कैसे जाएंगे? हम्म,
मस्त वाला आइडिया आया है, हमें बड़ा सोचना होगा। ये ड्राइवर की सीट कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। नहीं ठीक है, ये एवरल की साइज का है, इसीलिए तुम जैसा बोलोगे वैसा ही वो करेगा। रुक क्यों गए? अरे मुझे खुजली हो रही है भाई। खुजाना बंद करो खुजा। ये वाह, एक नया कैदी शायद मेरे प्लेनेट से आया होगा। ये शोर कैसा है? आए, ये क्या हो? इसके अंदर तो पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क है। तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा मुझे। चलो अब जाकर बैंक लूटते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तो सिर्फ भागने के लिए बनाया था, वैसे भी ये ज्यादा मजबूत नहीं है। तो क्या हुआ? डाल्टन से रिमोट के जरिए लूटे बैंक, एक और रॉबरी। पुलिस क्या कर रही है? हम तो पूरा दुनिया में कोई ना। बिल्कुल है, मैं हूँ ना। चुपचाप बिना नाटक के अपने पिंजरे में वापस चले जाओ। जेलर, मेरी रोबोटिक आवाज मेरे नॉर्मल आवाज से ज्यादा अच्छी है। ये कोई खिलौना नहीं है जेलर साहब, इस संस्कारी रोबोट को बनाने में सरकारी खर्चा हुआ है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो डाल्टन। कब ना? तो फिर तैयार हो जाओ। तुम हट क्यों गए गोचो? हम बिना डरे उनसे ये लड़ाई लड़ेंगे, कोई शक? लेकिन भाई वो रोबोट ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि हमारे पास उनकी तरह हथियार नहीं है। क्योंकि हमने ये रोबोट सिर्फ भागने के लिए बनाया था भाई। मेरे पास बचपन में ऐसे कोई खिलौने नहीं थे। अरे नहीं, रोबोट को जंग लग जाएगा। क्योंकि ये रोबोट वाटरप्रूफ नहीं है। कहीं वो अंदर डूब तो नहीं गए ना? मुझे देखने दो, मैंने इसमें डिप्लोमा किया है। अब हमारी बारी है। वो लोग जिंदा है। भागो भैया, हम काफी दूर आ गए। ये कबाड़ फेंक के कहीं दूर चले जाना चाहिए हमें। मेरा रोबोट कबाड़ नहीं है, मैं साबित करके बताऊंगा तुम्हें। जितना चाहे भाग लो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। छोड़ने के लिए पहले पकड़ो तो सही। लगता है तुम्हारा रोबोट थक गया है। हथियार खत्म हो जाने पर लाल बत्ती जलेगी और पर्पल जलने पर रोबोट उड़ नहीं पाएगा। क्या मतलब मैदान छोड़ना होगा? Yeah
ज्यादा देर नहीं पकड़ पाऊंगा। रुक जाओ, मैं रुकता हूँ यहीं पर। तुम साथ चलोगे? मेरा रोबोट टूट गया। मैं जीत गया। बस हुआ, खेलना बंद करो और इन्हें जल्दी से जेल ले जाओ, समझे? ये राइड ट्राई करता हूँ, ऐसा अम्यूजमेंट पार्क पहले कभी नहीं देखा मैंने। मेरा रोबोट बाहर रेगिस्तान में अकेला पड़ा है भाई। मुझे उसकी बहुत याद आएगी। अरे भाई देखो, हमारा रोबोट, वो जिंदा है, मेरा रोबोट जिंदा है। वो वापस जा रहा है, लेकिन क्यों? अच्छा है, लेकिन ये राइड का स्टॉप बटन दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? नए मुजरिमों की भर्ती हो रही है, इसका मतलब नए दोस्त बनेंगे मेरे। जेल में आप सबका स्वागत है। आपके रहने का सारा बंदोबस्त हो गया है, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। खाना मिलेगा? ये लोग जेल में आकर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? हमारे साथ रहेंगे तो हमारी तरह बन जाएंगे। ये जेलर भी हमारे साथ रहेगा तो वो भी भागने के बारे में सोचेगा ना? जरा सोचो, इस जेल को जेलर से बेहतर और कौन जानता है? बॉब मॉरिस, पिंजरा नंबर 52, जॉन वॉसेल्स, पिंजरा नंबर 75, और मेलविन पीबॉडी, जाये पिंजरा नंबर। क्या बकवास कर रहे हो? ये सेम हैंडराइटिंग नहीं है, बिल्कुल असंस्कारी है। किसने किया ये बेहुदा मजाक? माफ करना, लेकिन तो रूल्स है ना। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। हम भी। नहीं नहीं रुको, मुझे ये पिंजरा क्यों मिला? कहा कि इन लोग ने रिक्वेस्ट किया था, तुम अच्छे दोस्त लगते हो इनका। हमारे दोस्त बनोगे क्या? मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, हमारी हालत एक जैसी है, इसलिए हम एक दूसरे की मदद करके यहाँ से भागते हैं। क्या कहता? भागना? मैंने कुछ गलत नहीं किया और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। और ये कैसे करोगे पुराने जेलर साहब? पेपर की हैंडराइटिंग को जेल में सभी की हैंडराइटिंग से कंपेयर करके जिसने भी ये किया है वो लंबी सजा भुगतेगा। वो लिस्ट शायद पीट के पास है। मैं गार्नर के पास। जॉन। मैं के पास है। बॉब के पास है। फ्रैंक के पास है। लगता है मुझे पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। मैं वो संस्कारी नस ढूंढती हूँ। हाँ, और हम तब तक हमारे नए दोस्त की खातिरदारी करेंगे ताकि उसे भागने का मन करे। ये तो बहुत ही मुश्किल है ना, और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ से भागना ही होगा। क्या बोलते हैं जेलर साहब? अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा। ऐसा क्या? मुझे मिल गई। मैंने कहा था ना, ये कहाँ से मिली? संस्कारों से। जॉन ने बॉब को दी, बॉब से फ्रैंक, फ्रैंक से गोना, गोना से माइक, माइक से आजादी, 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 आजादी। अब ये लिस्ट कभी वापस नहीं मिलेगी। मिलेगी ना, लेकिन बहुत ढूंढने जाना पड़ेगा। ठीक है, 7:30 बजे हैं, मतलब बिल ड्यूटी पर है। उसकी ड्यूटी खत्म होते ही सेकंड में माइक आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड्स हैं, समझे?
भागो। उस स्पॉटलाइट से दूर ही रहना, उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। आखिरी काम, एवरिल चॉकलेट दो। तो हमने देखा तुमने देखा है मेट, ब्रेक का वक्त हो गया, चलो चॉकलेट ठूसते हैं। मतलब बरसों से यह चाबी पड़ी थी। गार्ड्स का क्या भरोसा, सेफ्टी नाम की भी चीज होती है। लिस्ट। देखो अब सबूत में दिया। मेरे लिस्ट, अब मेरा क्या होगा? हमारी तरफ मुजरिम कहलाओगे। चलो बाद में मिलते हैं, अब हमें बैंक लूटने जाना। रुको, मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ। बिल्कुल नहीं, हम पांचवा हिस्सा नहीं बांटना चाहते। मुझे शहर के सारे लोगों का टाइम टेबल पता है। देखते हैं इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है। मंडे दोपहर 12:30 बजे सरकारी बैंक का लंच ब्रेक होता है। ट्यूसडे 3:30 बजे बैंक का सारा पैसा मेन ऑफिस में ट्रांसफर किया जाता है। वेडनेसडे 4:30 बजे बैंक खाली होगी क्योंकि गांव में मेला लगने वाला है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। थैंक यू। प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जिसमें लिखा है मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। तुम और तुम्हारी ये बकवास। मैं जो डाल्टन मेलविन पी बॉडी को काम पर रखता हूँ। ये लो, अब तक खुश हो? बहुत अच्छे, जो सबूत मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है जो डाल्टन, ये रहा सबूत। लेकिन अब तुम क्या कर लोगे? बीच रेगिस्तान में कौन बचाने आएगा तुम्हें? वक्त के बड़े पक्के हो कर्नल। वेडनेसडे 6:15 बजे पुलिस यहाँ से गुजरती है। मुझे सबका टाइम टेबल पता है। जेलर साहब, आपका इस जेल में फिर से स्वागत है। मैं इस जेल का जेलर था, जेलर हूँ और जेलर रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस बेटे। वैसे तो मुझे गेम्स खेलना पसंद है, लेकिन इस गेम में जान को थोड़ा खतरा लग रहा है, इसलिए नहीं खेलूंगा मैं। बढ़िया है, पापा को लगता है कि मैं स्कूल गई हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी डुप्लीकेट है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 1872 में हूँ। ये कोई पुरानी जेल है। बाद में फोन। ये क्या चीज है भाई? चोट लग गई। डुप्लीकेट तैयार है। एवरिल 1.2 ओरिजिनल का डुप्लीकेट। मेरा नाम भी एवरिल है, तुम्हारा सरनेम डुप्लीकेट है मिस्टर 1.2। दो दो एवरिल। मुझे नहीं पता कि यह सब हुआ कैसे, लेकिन हम इसका फायदा यहाँ से भागने में करेंगे। गांव की शांति के लिए जादूगर जोजो अगले साल फिर से ऐसे ही नाचेंगे। ये मैं कहाँ फंस गई? मुझे पापा का क्लोनर उनके रूम में वापस रखना होगा। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारे पूर्वज तो नहीं है? सब कैदी मैदान में कसरत कर रहे होंगे, तभी डुप्लीकेट एवरिल जेलर के ऑफिस में जाकर चाबियां लेकर आएगा, कोई शक? लेकिन एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। ये अभी गोचो ही निकला। ठीक है, तो ओरिजिनल चाबी चुराएगा, डुप्लीकेट उसकी जगह लेगा, समझे क्या? तो कोई शक? पर उसने अभी कहा ना कि वो सिर्फ ओरिजिनल की ही सुनेगा। जैसा मैं करूँ वैसा करना। और एक और दो और तीन और एक और दो और तीन एक और
क्या? शायद मिस बेटी को तीन के आगे गिनती ही नहीं आती है। और तीन, एक और दो और तीन और एक और दो और तीन और एक और वहाँ कितने लोग हैं? एक मिनट मिस बेटी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एवरल लाइन से बाहर आए। हाथ ऊपर करो, सिक्योरिटी चेक। बायां हाथ ऊपर करो, दायां हाथ नीचे और बायां पैर ऊपर करो। मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, पर मेरे प्लेनेट वाले लोग मुझे लेने कब आ रहे हैं पता नहीं। Bless you. दो अप्रैल। ये अप्रैल अप्रैल का जुड़वा भाई, दोनों बचपन में बिछड़ गए थे। शक्ल के साथ साथ संस्कार भी कितने मिलते जुलते हैं। प्लीज इसे हमारे साथ रहने दीजिए जेलर साहब, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। जेलर साहब, दो भाइयों को अलग रखना ये हमारी संस्कार नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा उठाकर भागने की कोशिश मत करना। नहीं 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 नहीं। डुप्लीकेट एवरल तो पकड़ा गया, इसीलिए मैं अपना डुप्लीकेट बनाऊंगा और फिर भागना और भी आसान हो जाएगा। इसको कैसे यूज किया था? तुमने उल्टा पकड़ा है मेरे भाई। हेलो, मैं हूँ एवरल 1.3, तुम्हारा दूसरा डुप्लीकेट। इसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे बताओ? कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारा वीडियो बनाना है। इधर आ, या छुप जाओ। एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। अपना दूसरा डुप्लीकेट को बोलो कि जल्दी से छुप जाए, बोलो। वो तो अपने पहले डुप्लीकेट की सुनेगा। इस वक्त कौन होगा? कौन हो, कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करोगे। ये क्या बात हुई, मैं यहाँ का जेलर हूँ। अच्छा ठीक है, तो सुनो, मैं अपने जिस स्पेस स्कूटर पर बैठकर आई थी वो बिगड़ गया है और मैं यहाँ अपना क्लोनर वापस लेने आई हूँ, समझे? ये क्लोनर का मतलब क्या होता है? क्लोनर के इस्तेमाल से डुप्लीकेट पैदा होते हैं, शायद उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। अरे इस आदमी का मुँह इतना डरावना क्यों है? तो क्या कभी तिड़ुओं के बारे में नहीं सुना क्या? गार्ड्स, इनकी तलाशी लो और पकड़ो असली 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 क्लोनर। हाँ वही। किस किस की तलाशी लोगे जलर साहब? इतने सारे लोग कहाँ से आ गए अचानक, जहाँ से मैं आया हूँ? भाइयों, किसी का यहाँ ध्यान नहीं है, चलो चलो। आजाद है, उसे रोको। हमें माफ कर दो दादी माँ, हमने ये बटन दबाया और पता नहीं कोई अजीब सी दुनिया में पहुँच गए। डुप्लीकेट्स एक महीने में गायब हो जाएंगे या फिर दो महीने में। गुड बाय मेरे पूर्वजों। एक दो महीने, इतने लोगों को रखेंगे कहाँ? आहा, जैसे कि मिस बेटी ने कहा था कि भाइयों को अलग करना हमारे संस्कार नहीं है। अरे भाई, नीचे से मेरा मोजा दो ना। मैं हिल नहीं सकता, अपने डुप्लीकेट से कहो। सॉरी, एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। अब हम क्या करेंगे भाई? कल्टी खाते। भैया ये सुनो, टूरिस्ट के रहने के लिए सरकार स्कूल्स और सैलून्स को होटल में बदलने की सोच रही है। जरा सोचो, अगर जेल को भी होटल बना दिया जाए तो। मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया आया। अरे भाई चलो, गड्ढा खोदते मजा आएगा। मेरा जेल एक होटल? मजाक मत करो, वैसे भी ये कानून के खिलाफ है। अब तुम लोग जा सकते हो, बाय बाय। जेलर साहब, इस बार काफी खर्चा हो गया है।
रुको डाल्टन। मैंने फिर से सोचा है, होटल बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते, ठीक है? बोलो मंजूर है? हाँ। हाँ ठीक है, डील। लेकिन डाल्टन्स अचानक से होटल का ख्याल कैसे आया? कुछ खास नहीं, हमारा रूम खाली रहता है ना, तो सोचा किसी जरूरतमंद को काम आएगा। क्या मस्त वाला आइडिया है ना जेलर साहब। मैं अपने भाई को इसके बारे में बताऊंगा, वो भी एक जेल का जेलर है। एवरल रिसेप्शन संभालेगा। जाग जूस काउंटर पे। और विलियम चंपी मालिश करेगा। यहाँ क्या हो रहा है जेलर साहब? ये सब सुविधाएं हमारे कैदी आराम से रह सकते हैं इसीलिए है। जमाने के हिसाब से बदलाव जरूरी है, यही तो हमारे संस्कार है ना मिस बेटी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो खुला दरवाजा खतरा साबित हो सकता है। सही बात है, इसीलिए यहाँ शेरू नजर रखेगा। और इसीलिए मैं जेलर हूँ, तुम नहीं मिस बेटी। अच्छी संस्कार। हाँ दरवाजे पर खिलौना लगाया है, क्या बात है। हमारी होटल में आपका स्वागत है। अरे मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, आपका सामान हम पहुँचा देंगे। जो अगर ये खिलौना नहीं है तो क्या हो सकता है? मेरे प्लेनेट पर जाने का रास्ता, मैं जा था वही वापस आ गया। खिलौना? ये रहा आपका कमरा। इनके सिर पर मत खड़े रहो, चलो यहाँ से। अरे रुको, मुझे बच्चे के लिए दूध चाहिए। मुझे ठंडा आइसक्रीम चाहिए। यहाँ ऐसी नहीं है। सब मेरे साथ चलो। क्या बात है, सारे कमरे बुक हो गए हैं। सुनिए, मेरे रूम में नाश्ता भेजिए। मुझे मेरे बच्चे के लिए डायपर्स चाहिए। एक नरम तकिया चाहिए। मैंने आइसक्रीम ऑर्डर किया था। यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है। एक वीआईपी रूम खाली है सर, व्यू के साथ। कमरा चाहिए क्या? अब सही जगह आए सर। ये तो उल्टा पड़ गया भाई, पहले हम सिर्फ कैदी थे, अब सारा दिन काम करना पड़ रहा है। एक आइडिया आया, क्यों ना खुद कस्टमर बन के आए। यही मौका, चला। आप लोग जा रहे हैं, हमारा होटल अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा, लेकिन हमें कल घर पहुंचना है। हाँ हाँ बेटा, हम घर पहुंच ही रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आपका बिल दे देता हूँ। आपका हुआ 45,450, टिप अलग से। हम इसे दो किश्तों में भर सकते हैं क्या? अभी कुछ नहीं और बाकी कब मिलाए। थोड़ा शरारती बच्चा है। गार्ड्स सावधान हो जाओ, डाल्टन भाग रहे हैं। मेरे पीछे। अरे अब लोग भाग क्यों नहीं रहे? उनको लेकर आओ जल्दी। ये हमारे संस्कार नहीं है, जेल को होटल बनाकर आपको कितना असंस्कारी फायदा हुआ है। अभी तक सोए नहीं मिस बेटी आप। ये तो बेहद घटिया होटल है, हमारे सारे कपड़े भी चोरी हो गए, हम कोई भी बिल नहीं भरने वाले। ये खिलौना तो काफी मजेदार निकला। पतली गली पकड़ा, चल दे।
भाइयों हमें आजादी मिल गई। हाँ लेकिन हम थक गए हैं भाई, काम के चक्कर में ना कुछ खाया है और ना ही ढंग से सोए हैं। ठीक है अगले होटल में रुक जाएंगे। कैसी जगह है ये? कस्टमर के स्वागत के लिए कोई नहीं, हेलो कोई है क्या? जेलर साहब आप? हाँ मैं हूँ एबल पी बॉडी, मेलविन का बड़ा भाई। तुम कैसे हो डाल्टन्स? अपने डेकोरेशन तो अपने भाई से अच्छा किया है।